हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डूइंग अ सॉफ्ट ग्लैम लुक, जिसके लिए सबसे पहले आई एम यूजिंग द प्राइमर। प्राइमर अपने फेस पे आप लगाएं सबसे पहले, बिकॉज प्राइमर आपको मॉइस्चराइज अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इससे पहले मॉइस्चराइज़र या फिर कोई सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद आप प्राइमर लगाएं ताकि आपकी स्किन अच्छे से प्रेप हो जाए। फिर अपनी स्किन की पूरी कवरेज के लिए आई एम यूजिंग बीबी क्रीम, जो कि मेबलिन की है, एंड देन यू कैन पुट इट ऑन योर होल फेस। आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बीबी क्रीम से भी अच्छा जो है वो कवरेज आ जाता है, तो मैं बीबी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड आउट कर लिया। एंड देन व्हाट आई एम यूजिंग इज कंसीलर। अच्छा, मैं दो शेड से कंसीलर यूज़ करती हूँ। ये फिटमी का मेबलिन कंसीलर है, एक मेरा शेड इज सैन एंड द अदर वन इज़ मीडियम, क्योंकि मुझे लगता है मीडियम मेरे लिए काफ़ी जो है वो डार्क है, और नॉट काफ़ी बट अ लिटिल बिट डार्क, और मुझे लगता है सैन जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए फेयर है, तो मैं उन दोनों को मिला के यूज़ करती हूँ। पहले मैं सिर्फ मीडियम यूज़ करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंडर आइज थोड़े डार्क हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जब उनको दोनों को मिला के यूज़ किया तो इट लुक्स वेरी नाइस। तो दैट्स दैट। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और अगर उसको और नीड होगी तो आप और भी लगा सकते हो। बस इतना आपको कंसीलर लगाना है कि आपके जो भी ब्लेमिशेस वगैरह हैं वो, मतलब ऐसा ना हो कि ऐसा लगे ख़त्म हो जाए, स्किन लाइट चलना चाहिए। एंड देन उसके बाद मैंने जो है वो इस पर एक मूव सा कलर है, ये मेरी पैलेट है बीबी आमना की, और इसके अंदर एक मूव सा कलर है, मैंने वो अपने क्रीज पे लगाया है, उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया। उस पर आई के कॉर्नर पे लगाया है, उसे अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने जो है वो अपनी जैकलिन हिल की मेरी पैलेट है, उसके अंदर से मैंने एक बिल्कुल सटल सा पिंकिश यू नो शिमर है, पिंकिश गोल्ड, रोज़ गोल्ड कह लें, वो वाला शिमर है, और मैं उसे अपनी आँख के जो है वो नीचे वाले पार्ट पे लगा रही हूँ। और इसके बाद जो है वो इसे अच्छे से जो है वो डैप करके लगा लेना है। एंड देन मैं इसको ब्रश से दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी ताकि अलग अलग सा ना लगे, बिल्कुल मर्ज हुआ हुआ लगे। मैंने आईब्रो ब्रश लिया है, एंड आईब्रो ब्रश क्योंकि थोड़ा सा उसका जो बना हुआ होता है लाइक यू नो किस तरह होता है वो, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा ब्लैक आई शेड लिया है, ताकि मैं उससे जो है वो अपना लाइनर की तरह जो है वो थोड़ा सा लगा सकूँ। अच्छा, मैंने लाइनर नहीं लगाया क्योंकि ये सॉफ्ट लुक है, तो मैंने उसमें ब्लैक ज़्यादा ऐड नहीं करना था, तो मैंने बहुत जो है ना वो उस पर थोड़ा सा ब्लैक आई शेड लगा के उसे लाइनर की तरह लगाया है। अभी वीडियो में वो फिर भी थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट रियल में वो बहुत हल्का सा आपकी आई को बस एक डेफिनेशन देगा, इसलिए मैंने उसमें बस इस तरह से ब्लैक करके लाइनर की तरह उसे लगाया है। And then I'm just cleaning the mess I've made under my eyes with the concealer. I'm using lash curler to curl my lashes. उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी, और ये मेरा एसेंस कंपनी का मस्कारा है, और मस्कारा को आपने अच्छे से जो है वो लगाना है, ताकि क्योंकि आप लैशेज तो नहीं लगा रहे हो, तो फिर आप इतने अच्छे से मस्कारा लगाओ कि आपकी जो है वो लैशेज प्रोमिनेंटली नज़र आए। अच्छा, ये जो मेरी पैलेट है ना, इट्स वेरी नाइस, ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना की, इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रो भी है, ब्रॉन्जर भी है, और तीन ब्लशेज़ हैं, तो मैं इसका ही कॉन्ट्रो पाउडर यूज़ करके मैं जो अपनी जॉ को और चिन को और नोज़ को जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, ताकि जो है वो मेरी डबल चिन थोड़ी छपी है, और जो है वो मेरे फेस का एक स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रॉपर हो जाए। तो इसी पैलेट में से मैं पिंक और पीच को मिक्स कर ब्लश लगा रही हूँ, और मैं थोड़ा सा ब्लश जो अपनी नोज़ पे भी अप्लाई कर चुकी हूँ, थोड़ी सी पिंक नोज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ट्रांसल्यूजन पाउडर यूज़ कर रही हूँ एयरस्पन का, और इससे मैं जो है वो जहाँ पे मैंने कॉन्टूर लगाया उसके नीचे नोज़ पे अंडर आईज ये सब बेक कर रही हूँ। उसके बाद बस थोड़ी सी देर के बाद
उससे थोड़ा सा सेट होने के बाद, क्योंकि मेरी स्किन भी ड्राई है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा जो है वो सेट नहीं करती हूँ, और क्योंकि मेरा फिर ड्राई होने लग जाता है, पैचेस पड़ने लग जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। उसके बाद मैं इसे ही वैसे ही ब्रश से डस्ट ऑफ कर दूँगी। एंड देन मेरे पास ये हाईलाइटर है NYX का, हाईलाइटर प्लस इल्यूमिनेटर है, जिससे मैं अपनी आईब्रोज के नीचे, ताकि थोड़ी सी आईज जो है वो ऊपर से थोड़ी सी शाइन करें तो वो प्रोमिनेंट हों, पर अपनी नोज़ के ऊपर और अपनी जो है वो चीक बोन के ऊपर ये मैं अप्लाई करूँगी। कॉलर बोन्स पर भी मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही थी तो मैं कॉलर बोन्स पर अप्लाई नहीं किया, बट अगर आप कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कॉलर बोन्स पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही शिमर जो मैंने जब अपनी आँखों पे लगाया था, वही मैं लेके थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल अपनी इनर कॉर्नर पर आइज़ की लगा रही हूँ, तो इससे जो है वो बहुत अच्छा लुक आता है। दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम मेबलिन और इसका नाम है बेस्ट बेब, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। इस पर मैं ये अप्लाई करी, अच्छा ये थोड़ा सा ना लाइक पीच शेड देती है, तो मुझे थोड़ा सा पिंक देना था बिकॉज आई एम वेयरिंग पिंक, तो मैंने इसके ऊपर ये लगाने के बाद रेड लिपस्टिक को थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डैप कर लिया था, ताकि थोड़ा सा पिंकिश रेडिश सा लुक बन जाए, बिल्कुल पीच पे ना जाए। तो जिस तरह आप देख रहे हैं वह हल्का हल्का डैप करके, और आप फिंगर से भी उसको अच्छे से मर्ज कर सकते हैं कि वो जो है अलग से ना लगे, बिल्कुल जो है वो ऐसा लगे कि आपने बड़ी शेड अप्लाई किया। इसके बाद मेरे पास NYX का सेटिंग स्प्रे है, अपनी आईज़ कवर करके आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लो, थोड़ा सा ड्राई होने दो, एंड देन यू आर गुड टू गो।